कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम आबादी के गणित को समझाते हुए एक बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2028 तक हिंदू और मुस्लिम की जन्म दर बराबर हो जाएगी। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मुस्लिमों की जनसंख्या की जन्म दर हिंदुओं के मुकाबले तेजी से घट रही है और साल 2028 तक हिंदू और मुसलमान की जन्म दर बराबर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह बोले कि लोग यह कहते हुए कि मुसलमान चार चार बीवी कर लेते हैं, उनके दर्जनों बच्चे पैदा हो जाते हैं और 10-20 साल बाद देश में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू को अल्पसंख्यक हो जाने की बात कहकर डराते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि जो भी मुझसे चर्चा करना चाहे वह कर ले। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक स्टडी से पता चलता है कि देश में हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की जन्म दर लगातार घट रही है।